इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जो शेयर होल्डर्स फंड होता है उसमें शेयर कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने सीखा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में सीखा था, और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो नंबर वन और नंबर टू जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर आता था वो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया। आज हम सीखेंगे उसके बाद जो इक्विटी लाइबिलिटीज में आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद नंबर फोर्थ करंट लाइबिलिटीज आ गए। तो ये हम सीखेंगे इस तरीके से, हमारा जो लाइबिलिटीज पोर्शन होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पोर्शन वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो नंबर वन और नंबर टू था, और नंबर थ्री है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है? वो लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी नहीं है। इट मींस हमें समझना पड़ेगा कि करंट लाइबिलिटी क्या है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। जो नॉन करंट लाइबिलिटी खत्म करेंगे उसके बाद हम करंट पे आ जाएंगे, बट अभी तुम याद रखो वो कोई लाइबिलिटी जो हमें, अब सिंपल याद रखना, अभी जो हमें 12 मंथ के बाद पे करनी है। अभी आप इतना याद रखो, अकाउंटिंग पीरियड हम 12 मंथ का लेता है, तो जो आज की डेट हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाएंगे, सपोज 31 मार्च 2020 को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो सिंपल याद रखो वो लायबिलिटी जो हमें 31 मार्च 2021 के बाद पे करनी है वो आज की डेट में मेरी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। बस सिंपल याद रखो, आगे हम करंट लायबिलिटी को और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटी नॉर्मली चार तरह की होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं इन चार में कहीं ना कहीं वो फॉल करेगी। एक होता है नंबर ए जिसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब कंपनी ने बोरो किया है पैसा, कंपनी ने बोरो किया है पैसा और वो पैसा उसको पे करना है आज की डेट से, अगर देखा जाए 12 मंथ बाद पे करना है। अगर कोई ऐसी बोरोइंग है कंपनी की जो आज की डेट में उसको 12 मंथ बाद पे करना है तो उसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, अगर वो इस कैटेगरी में फॉल कर रही है तो आप कहां पे उसको रखोगे बैलेंस शीट में? सर हम उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में रखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में रखेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉर्मली कैसे कैसे होते हैं? अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, अगर आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए और उनका मैच्योरिटी 1 साल के बाद है तो वो बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में आपका डिबेंचर्स आएगा इतने अमाउंट का, तो रिप्रेजेंट कहां पे करोगे उसको बैलेंस शीट में? सर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो बनाएंगे उसके नोट्स के अकाउंट होगा वहां पे हम उसको दिखा देंगे। और क्या होता है सर? बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है, तो मैंने आपको बोला था बॉन्ड्स और डिबेंचर्स मोर ऑन द सेम होते हैं, तो अगर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विद रिपेमेंट पीरियड आफ्टर 1 ईयर तो वो आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग। दूसरा क्या होता है सर? हम बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं जिनको हम टर्म लोन्स बोलते हैं, जैसे हमने बिल्डिंग के लिए लोन ले लिया, मशीनरी के लिए लोन ले लिया, वो हमें 1 साल के बाद पे करने हैं, तो जो 1 साल के बाद पे करने वो हमारी क्या आएगी सर? वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी। ये हमने पैसा ले लिया, और किस तरह का पैसा ले सकता कंपनी? कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, कुछ कंपनीज लेती है ऐसा पैसा लोगों से, डिपॉजिट बोलती है हम आपको, जैसे बैंक में पैसा रखते हैं वैसे लोग कंपनीज में भी पैसा रखते हैं और कंपनीज उनको इंटरेस्ट देती है। तो अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया है दैट इज अ पब्लिक डिपॉजिट, और वो भी अगर आपको 1 साल के बाद पे करना है तो आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा। तो आपका जो थर्ड वाला पार्ट में लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में, उसका ए पार्ट बनाओगे आप लॉन्ग टर्म बोरिंग, और इसका फिर क्या बनेगा आपका नोट, सपोज आपका ये नोट नंबर 3 बनेगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप दिखा दोगे कि डिबेंचर्स कितने के हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स कितने के हैं और पब्लिक डिपॉजिट कितने के, इसके हम अभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। समझ आया लॉन्ग टर्म बोरिंग? यस सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ आया? यस सर। आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है आप तीनों ने म्यूट करके रखा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको ये समझ आ गया, मैं अब उसके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। देखो अभी आपने बैलेंस शीट जब देखी होगी आपने देखा है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी आ रहा है और डेफर्ड टैक्स एसेट भी आ रहा है। ये चीज आपको आगे सीए में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे उतना ओवरव्यू दूंगा तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। कंपनीज एक्ट हमें बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन कैसे लेना है, बाकी सारी चीजें कहते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग से हमारी इनकम आती है इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम अकाउंटिंग इनकम। क्या बोलते हैं? मैं आपको सिखा दूंगा, शायद कल हमारा बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा उसके बाद एक दिन मैं आपको प्रॉफिट लॉस सिखा दूंगा, तो वहां पे आपको दिखाऊंगा हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं और बाकी सारे एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। मगर आपको याद होगा कि कंपनी एज अ पर्सन होती है इनकम टैक्स की नजरों में, और कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। कंपनी को जो टैक्स देना पड़ता है उसके हिसाब से उसके लिए क्या है, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि
आपको जो इनकम कैलकुलेट करनी है टैक्स पर्पस के लिए वो हमारे हिसाब से करनी है, अपने हिसाब से नहीं करनी है। तो इनकम टैक्स वाले अपने रूल से बोलते हैं कि इस तरह से हम इनकम आपकी बोलेंगे। तो इनकम टैक्स वाले मेनली क्या रहता है, डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स वाले अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, बाकी खर्चे भी वो अपने हिसाब से अलाउ करेंगे। जब आप आगे जाके कॉमर्स में जाओगे आप देखोगे टैक्स में कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो आपकी अकाउंटिंग इनकम होती है और जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, उसमें डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, जिनको हम टाइमिंग डिफरेंसेस बोलते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन आपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से किसी एक एसेट पे 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया, आपने 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया, बट जब आप इनकम टैक्स में टैक्स भरोगे तो टैक्सेबल इनकम निकालोगे, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हम इस एसेट को डब्ल्यूडीवी पे 15% डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ सर, उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो ज्यादा आएगी क्योंकि वहां पे आपको डेप्रिसिएशन कम मिला, जबकि अकाउंटिंग इनकम आपकी कम थी और टैक्सेबल इनकम आपकी ज्यादा होगी। अगले साल में क्या होगा, आप इसमें भी एसएलएम लगाओगे 20% और ये 5 साल में सपोज खत्म हो जाएगा, बट डेप्रिसिएशन तो 6 साल में, 7 साल में लगेगी, 8 साल तक चलेगी। तो उस तरह से क्या होगा इनकम टैक्स में, अब आप देखोगे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अकाउंटिंग इनकम थी वो पहले ज्यादा थी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम कम हो गई, बट टैक्सेबल इनकम पहले सॉरी ये कम थी पहले और अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम पहले ज्यादा थी फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है, बट ये क्या होगा और कम होगा। तो ये बाद में फिर ऑफसेट हो जाएगा, लास्ट ईयर कुछ आएंगे 5 साल बाद अकाउंटिंग इनकम में तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बट इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलना लगेगा। तो आज आपको जो टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है वो आपको बाद में कंपनसेट होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आज आपको अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स सपोज 100 रुपया बनता था बट टैक्सेबल इनकम के हिसाब से आपका टैक्स 90 रुपीज बन रहा है, अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से आपका टैक्स 100 रुपया बन रहा था और टैक्सेबल इनकम की वजह से आपका टैक्स 90 रुपीज बन रहा है। तो उल्टा क्या हुआ, आपको तो टैक्स 10 रुपया है जो आपको बाद में देना पड़ेगा, जो आपको बाद में देना पड़ेगा क्योंकि बाद में आपको डेप्रिसिएशन क्या है यहाँ पे कम मिलेगी यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। और कुछ वक्त क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग इनकम जो है उस पर टैक्स कम लगेगा और वह टैक्स ज्यादा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा, जो आज आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ा आज सॉरी कम देना पड़ा फ्यूचर में आपको वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो आपकी क्या रहेगी, टैक्स लाइबिलिटी आपने डेफर कर दी, आज आपको 100 रुपया टैक्स देना पड़ा बट इनकम टैक्स के हिसाब से आपका 90 ही बना टैक्स, तो 10 रुपया टैक्स आपको बाद में देना पड़ेगा। तो जो टैक्स लाइबिलिटी आपने क्या कर दी अभी, डेफर होगी, डेफर मतलब क्या होता है डिले करना। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, टैक्स लाइबिलिटी डेफर होगी इनकम टैक्स के रूल के साथ जो बाद में आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अगर ये उल्टा होगा, अगर आज आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ा तो फ्यूचर में आपको क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, तो उस वक्त क्या बोलेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट, वो बोलेंगे कि आपने अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स लग रहा था आपने उससे ज्यादा टैक्स दे दिया, तो ये फ्यूचर में ऑफसेट हो जाएगा, तो वो मेरा एसेट कहलाएगा, तो वो आपका एसेट साइड आएगा। तो इधर साथ में आपने एक वर्ड देखा होगा नेट, मतलब हम डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को नेट ऑफ करते हैं, कि हो सकता है किसी एक पे हमें एसेट क्रिएट हो रहा है किसी में लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, उन दोनों को नेट ऑफ करते हैं, और अगर ओवरऑल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड आएगा और अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है तो एसेट साइड आएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो, आपको इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको सीए में बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी कवर हो गया। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये था लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर बोरोइंग नेचर का है और 12 मंथ के बाद पे करना है तो वो आपका कहलाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मगर अगर आपकी कोई और लायबिलिटी है, बोरोइंग नहीं है और ऐसी लायबिलिटी जो आपको 12 महीने बाद पे करनी है तो वो आपका करेगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एग्जाम्पल आप बोलोगे सर अगर मेरा ट्रेड पेएबल ऐसा है, अगर मेरा ट्रेड पेएबल, यहां पर याद रखो यहाँ पे कंपनीज में हम क्या करते हैं क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करते, ट्रेड पेएबल यूज करते हैं, मतलब पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड, मतलब परचेज में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं ट्रेड पेएबल। अगर आपको कोई ट्रेड पेएबल 12 महीने के बाद पे करना पड़ेगा तो आपका क्या आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो बोरोइंग नहीं है वो लाइबिलिटी है, तो वो आएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। और अगर कोई अदर होंगे बाद
लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आपको पैसा देना है, जैसे क्रेडिट है, ये आपको पैसा देना ही देना है, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। प्रोविजन मतलब आपको फ्यूचर में देना है, बट कितना देना पड़ेगा आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोविजन करते हो। फ्यूचर में लाइबिलिटी होगी बट कितनी होगी वहां पे आपको पता नहीं होगा, आप एस्टिमेट करते हो। जहां एक्सपेंशन की वर्ड बोल रही उसमें क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन समझ आया आपको, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब क्या है, ये लाइबिलिटी आपको कब पे करनी है, 12 महीने बाद पे करनी है, बट अभी आपको पता नहीं कब तब कितनी लाइबिलिटी, आप एस्टिमेट करते हो। और अगर वो 12 महीने के बाद है तो उनको लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपके एम्प्लॉय है और आपको उनको ग्रेच्युटी देनी है, ग्रेच्युटी सुना है ना, आपके पेरेंट्स अगर जॉब वॉब करते हो तो उनको ग्रेच्युटी मिलती है, तो जो उनका एम्प्लॉयर है उसको अगर ग्रेच्युटी देनी है 5 साल बाद देनी है, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के वक्त देनी है, तो आज से इसको उतना खर्चा एक्साइड करना होता है, तो उसको प्रोविजन करनी पड़ती है, तो उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन जो सुपर एनुएशन बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉयज के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर वैसा आपने प्रोविजन क्रिएट करके रखा है, अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो उनको ग्रेच्युटी वो सब चीजें जो है वो कहाँ पे आएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे। तो आपको सबसे पहले देखना अगर ये लाइबिलिटीज नेचर के या प्रोविजन नेचर के और 12 महीने के बाद है, इनको कहाँ पे डालना है हमें, तो याद रखना अगर वो बोरोइंग है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, अगर डेफर्ड टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में है तो डेफर्ड टैक्स में आ जाएगा, और अगर दोनों में से कहीं नहीं आ रहा है तो वो आएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और अगर प्रोविजन है तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे, ठीक है। ये था नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में, अब हम करंट लाइबिलिटीज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। आप लोग अनम्यूट किया करो, आप म्यूट क्यों रखते हो? तो मैं जो घर के अंदर पा रहा हूँ तो आपको लगता है कि आवाज आ जाएगी बैकग्राउंड की? अब हम पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटीज। आप अपनी बुक निकालना, पेज नंबर 10.20। हमने नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या बोला था, नॉन करंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी विच इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी। तो अब हम पहले सीखेंगे करंट लाइबिलिटी क्या होता है। आपके शेड्यूल 3 में ना डेफिनेशन भी दी है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी एग्जांपल है जिस तरीके से इन्होंने समझा दिया, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटी क्या होता है। तो ये बोलते हैं लाइबिलिटी कैन इज क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी इफ इट मीट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 रिक्वायरमेंट्स। तो 4 रिक्वायरमेंट्स है, 4 में से अगर कोई भी रिक्वायरमेंट सक्सेसफुल हो गई, फुलफिल हो गई, तो हम उस लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी। अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो वो फिर बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हम 4 लाइबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे एग्जाम में पूछा, व्हाट इज द करंट लाइबिलिटी, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, ये आप नोट कर देना, वैसे आपकी बुक में है ये, इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऐसा है तो उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलेंगे, और इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, ठीक, किस दिन से, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। आज जिनकी बैलेंस शीट बनाते हो आज का हिसाब देखेंगे, जब लाइबिलिटी इनकर हुई तब से नहीं देखते हैं, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। उसके बाद और held primarily for being traded or no unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting date. तो ये है करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और बहुत क्लियरिटी आ गई इसको जब हम एनालाइज करेंगे। क्या बोलता है, करंट लाइबिलिटी
एक लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी तब बोलेंगे अगर इन चार में से, अगर इन चार में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम उसको बोलेंगे कि ये करंट लाइबिलिटी है, अगर नहीं है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। सबसे पहली चीज एक्सपेक्टेड, मतलब वो ऐसी लाइबिलिटी है जो एक्सपेक्टेड है टू बी सेटल्ड। आपने 11th में जर्नल एंट्रीज कर दी तो बोला फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या था? हिसाब पूरा करना, मतलब सेटलमेंट यहाँ पे आ जाएगा पे कर देना। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे क्लियर, टू बी पेड। ये लाइबिलिटी है तो क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। और एसेट होती है, एसेट में क्या आएगा वर्ड? रियलाइज। ये लाइबिलिटी है तो एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो आपको समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? सर ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो नॉर्मल पीरियड जितना एक कंपनी को, एक बिजनेस को लगता है एक एसेट को प्रोक्योर करने में, और फिर उसको रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में, फिर उसको फिनिश गुड बनाने में, फिर अल्टीमेट रियलाइजेशन कैश में, जब तक ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, आपने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, फिर आपने इसको क्या बना दिया? आपने इसको फिनिश्ड गुड बना दिया। फिनिश्ड गुड करके आपने क्या कर दिया इसको? सर आपने इसको सेल कर दिया। सेल करके आपका क्या बन गया? सर आपको डेटर बन गया, और डेटर ने फिर आपको कैश दे दिया, कैश से आपने फिर रॉ मटेरियल परचेज कर दिया। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। आपके पास कैश आया, कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस कर दिया, फिनिश्ड गुड बन गया। फिनिश्ड गुड बाद में आपको सेल हो गया, और सेल के बाद आपको डेटर बन गया। डेटर आपको 2 महीने में पैसा देगा। तो कैश को कन्वर्ट करने में रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, सेल, डेटर एंड देन कैश, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग साइकिल। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास कैश था तो आपने रॉ मटेरियल लाया, ठीक है, और रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनने में 2 मंथ लग गए, ठीक है, और फिर फिनिश्ड गुड को सेल करने में सपोज 1 मंथ लग गया, और फिर सेल करके डेटर बन गया तो इसको 2 मंथ आ गए, ठीक है। तो या तो साथ में ही हो सकता है सेल और वो 2 घंटे, 2 मंथ हो गए, ठीक है, और फिर जाके इसने कैश दे दिया 1 मंथ। तो ये उल्टा भी हो सकता है, ये 2 मंथ नहीं होगा तो सेल करके फिर अल्टीमेटली 2 मंथ में पैसा आ गया। तो 2 और 1 3 और 2 5 मंथ। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 5 मंथ मिल गया। यहाँ पे रॉ मटेरियल को 2 महीने लगे, किसी कंपनी में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है 11 मंथ होगा, 12 मंथ होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, जो भी होगा। तो अगर आपको पता नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, तो हम नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ का मानते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप याद रखो, या तो उस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल दिया होगा, तो अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आ रहा है, तो अगर उसका 5 मंथ 6 मंथ आ रहा है ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो करंट लाइबिलिटी उसका बन जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल, पहली क्राइटेरिया। तो जो भी उस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल होगा, अगर उसके अंदर अंदर वो सेटल होने का एक्सपेक्टेशन है, तो वो आपका करंट लाइबिलिटी बनेगा। और सेटल्ड, इट इज ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब क्या था? जिस दिन की आप बैलेंस शीट बना रहे हो, अगर आप 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो दिस इज द रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो। तो 31 3 2020 को देखना है किसी भी लायबिलिटी को, अगर वो आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको ये सेटल करना है अप टू 31 मार्च 2021, दैट इज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, तो वो भी करंट लायबिलिटी बनेगी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया देखना, क्या है ऑपरेटिंग साइकिल में साइकिल सेटल हो रही है? अगर हो रही है तो करंट लायबिलिटी, अगर नहीं हो रही है तो कंडीशन नंबर 2 पे जाएंगे। क्या हमें ये 12 मंथ में देना है? तो बोर अनलेस 12 मंथ, वो दोनों वजह से कवर हो जाएगा, या तो ऑपरेटिंग साइकिल से, या तो 12 मंथ डायरेक्टली हो रहा है। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं हो रहा है, सपोज उस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 5 मंथ है खाली, और ये 5 मंथ के बाद लायबिलिटी पे हो रही है, तो उसमें तो बच गया, फिर दूसरे वाली जाली में देखना है कि बच जाएगा नहीं बचेगा। दूसरा वाला फिल्टर क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, और रिपोर्टिंग डेट 12 मंथ देखना है। तो अगर ये मुझे 12 मंथ के अंदर अंदर सेटल करनी है, सपोज कोई ऐसी लाइबिलिटी है डिबेंचर्स है जो इस साल रिडीम होने वाले हैं, और 12 मंथ में ये 11 मंथ बाद होने वाले, तो इस कैटेगरी में ये फॉल करेंगे। इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद 12 मंथ्स, और हेल्ड प्राइमरीली फॉर बीइंग ट्रेडेड। ये जो आपकी लाइबिलिटी होगी है, ये इन अकॉर्डेंस विद ट्रेड होगी है, मतलब जो आपका मेन ऑपरेशन है उसकी वजह से लाइबिलिटी करोगे। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो ट्रेड पेएबल है, जिनको हम क्रेडिटर बोलते हैं, they are being held, मतलब ये ऐसी liability है जो because of the trade है, because of the trading operations है, तो उनको भी क्या बोलेंगे? Current liability। उसमें हम settlement देख नहीं दे, आपने credit पे माल दे दिया, आप normally रखते हो credit पे 2 महीने तक, but हर बार नहीं रखते हो ऐसा,
तो क्या वो किसमें आएगा? उसमें तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि कब पे करेंगे, तो ना वो ऑपरेटिंग साइकिल में आ रहा है ना रिपोर्टिंग डेट में आ रहा है, बट बिकॉज वो ऑपरेशन की वजह से है वो ट्रेड पेबल है, तो वो इसमें आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में, अनलेस अदरवाइज कि यू हैव द राइट कि आपको ये 12 मंथ बाद पे करना है, तब वो किसमें आ जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। और फोर्थ चीज क्या है? नो अनकंडीशनल राइट, नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एट लीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग। अगर आपके पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है, अनकंडीशनल राइट मतलब क्या होता है कि आप बोलोगे तो वही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंडीशनल राइट क्या होता है? शर्त, कंडीशन होती है शर्त। अगर आपके पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कि आप इसको डेफर कर सकते हो, मतलब इस लाइबिलिटी को डिले कर सकते हो आफ्टर 12 मंथ्स, इसमें सबसे एग्जांपल है आपकी जो सीसी लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट है। अगर बैंक चाहेगा, आपने बैंक से फैसिलिटी ले ली ओवर के, तो आपको नॉर्मली बैंक नहीं बोलता अगले दिन पे करो, वो उनने आपको लिमिट दे के रखी है जब तक वो चाहेंगे। बट आपको अगर बैंक बोलेगा ना कभी भी कि भाई पैसा दे दो, तो आपको देना पड़ेगा। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसको बोलोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा, आपने तो मुझे अभी ये सीसी लिमिट दे दी है तो आज ही क्यों मांग रहे हो? नहीं, यू डोंट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट। या आपके पास कोर्ट का समन आ गया, बोला आपको ये पेमेंट करनी है, और आपके पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कि आप इसको डेफर करोगे आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब अगर आपके पास कंडीशनल राइट हो तो एक बात है, अगर अनकंडीशनल राइट नहीं है कोई भी, तो फिर जाके आपको क्या करना पड़ेगा? उसको करंट लायबिलिटी ही ट्रीट करना जाएगा। जिस तरह से सीसी लिमिट है, जो बैंक ओडी जिसको हम बोलते हैं, वो क्यों करंट लाइबिलिटी है? उसमें तो बैंक अगले दिन ही आपको नहीं मांग रहा है, आपको ये भी नहीं जरूरी है कि आपको 12 मंथ बाद पे करना है, क्योंकि सीसी लिमिट आपकी एक एग्जॉस्ट लिमिट होती है कि आप इतना पैसा निकाल सकते हो, तो आपको नॉर्मली बैंक नहीं मांगता है, बट बैंक के पास पावर है कि वो आपको कभी भी मांग सकता है, और आपके पास अनकंडीशनल पावर नहीं है कि आपके पास बैंक आएगा पैसे मांगने और आप नहीं दोगे। यू डोंट हैव एनी अनकंडीशनल पावर, यू विल हैव टू पे द मनी व्हेनेवर द बैंक वांट्स टू। इफ इट इज द केस देन इट विल फॉल अंडर द करंट लायबिलिटी, नो मैटर द प्रैक्टिस इज दैट यू डोंट पे द विद इन 12 मंथ्स, बट स्टिल बिकॉज यू डोंट हैव एन अनकंडीशनल राइट, उसकी वजह से वो करंट लायबिलिटी माना जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको करंट लायबिलिटी के बारे में भी बता दिया आपको, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आपको क्या है एक क्लैरिटी आ जाएगी। ये था मैंने अभी आपको करंट लाइबिलिटी के बारे में बता दिया, करंट लाइबिलिटी क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 मंथ का क्वेश्चन आने के चांसेस है, और आपको फ्यूचर में भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। बेसिस ही है करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी में लेने के लिए। अब आपके जो मतलब बैलेंस शीट है उसमें जो करंट लाइबिलिटी होती है उसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो करंट लाइबिलिटी मैंने आपको समझा दिया, अब करंट लाइबिलिटी में अगर आप देखोगे अपने बैलेंस शीट के फॉर्म में क्या क्या चीजें आती है, ये फोर्थ था हमारा करंट लाइबिलिटी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आता है। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो आपकी सीसी लिमिट है ना, या कोई शॉर्ट टर्म पैसा लिया है आपने, लोगों से पब्लिक डिपॉजिट लिया है, आपने बैंक से लोन ले लिया है, वो लोन जब आपको 12 मंथ के अंदर पे करना है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए जाएगी, और वो करंट लाइबिलिटीज में अंडर द हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग आएगी, और उसका एक नोट बनेगा वहां पे आप उसको बोलोगे। उसके बाद ट्रेड पेएबल, जो आपके क्रेडिटर्स है विच आर बीइंग हेल्ड फॉर द ट्रेड, विच हैव अराइज़न बिकॉज़ ऑफ द ट्रेड, उनको ट्रेड पेएबल बोलते हैं, और वो करंट लायबिलिटी है क्योंकि हमने देखा था पार्ट सी वाला डेफिनेशन का जो था करंट लायबिलिटी उसमें वो फॉल कर रहा था। उसके बाद कोई और लायबिलिटी जो ना कि बोरोइंग है ना ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल है और वो विद इन 12 मंथ्स पे करना है, वो आएगा मेरा अदर करंट लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको बोला था जो डिबेंचर्स इस साल रिडीम होने हैं, जो डिबेंचर्स का अमाउंट इस साल रिडीम होना है, वो तो शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, वो क्या आपकी अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। वो क्या है आपकी अदर करंट लायबिलिटीज, करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट, या आपका जो टर्म लोन है, टर्म लोन का जो इस मंथ इस साल का आपका इस साल का पेमेंट बन रहा है, इस साल की ईएमआईज बन रही है, वो सारी आपकी अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। या आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है जो आपको पे करना है, वो भी इसमें आ रहा है। इंटरेस्ट अक्रू हुआ है बट नॉट ड्यू, बट आपने उसकी अकाउंटिंग एंट्री खर्चा मैचिंग कर से निकाल दिया, वो भी अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि इसी साल आप ड्यू डेट में उसको पे करना पड़ेगा। डी पार्ट आएगा आपका अगर आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो थे वो अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर द हेड करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब 31 मार्च को आपने बोला कि इस साल तो हमें बोनस देना पड़ेगा इस साल का, और वो हमें जून जुलाई में देना पड़ेगा, अभी तो बोनस का खर्चा डालेंगे, और वो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहलाएगा, ठीक है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजन, वो आपके क्या आ जाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इस तरीके से आपका जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला जो साइड था वो हमने कंप्लीट कर दिया। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो एसेट वाला साइड है, फिक्स्ड एसेट्स,
और सॉरी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट नॉन करंट एसेट में फिर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल इनटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेफर्ड टैक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। और अब हम लास्ट 10 मिनट में कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इस पे फोल्ड आ जाएगा। आई होप कि लास्ट दिन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो आपने अच्छे से करे होंगे। अब आप अपनी बुक पे इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे जल्दी जल्दी आ जाओ, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको फोल्ड आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 10.24, नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। तो कितनी हेडिंग्स है इक्विटी एंड लायबिलिटी से? सर इक्विटी एंड लायबिलिटी से चार मेजर हेडिंग है। एक सर शेयर होल्डर्स फंड, नंबर टू शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर थ्री नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर फोर करंट लायबिलिटीज। ये मेजर हेडिंग्स है। इस तरीके से हमने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश किया हमने इनको ताकि हम इनको याद करें। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखो, स्टेट द आइटम्स शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है बताओ जल्दी जल्दी, क्या आता है? सर शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स और सरप्लस आता है, और मनी अगेंस्ट शेयर वैरेंस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वैरेंस। वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो, इन अ कंपनीज बैलेंस शीट गिवन थ्री आइटम्स शोन अंडर द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड शॉर्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग है बट लॉन्ग टर्म की क्या हो सकता है? सर बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, टर्म लोन हो सकते हैं, पब्लिक डिफॉल्ट होते हैं, आपको तीन ही बोलना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो आपको जल्दी पे करना है विद इन 12 मंथ्स, वही सीसी लिमिट है, जिनको क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लो या वो लायबिलिटीज विच आर पेएबल ऑन डिमांड, जो सीसी लिमिट है उसको पेएबल ऑन डिमांड भी बोलते हैं। कभी भी आपको बैंक डिमांड कर सकता है, करता नहीं है नॉर्मली बट कभी भी कर सकता है। तो दे आर लोन्स पेएबल ऑन डिमांड, और वो लोन्स एडवांसेस जो आप जिनकी मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ्स है वो, और दूसरा क्या है जो आपके डिपॉजिट है, ठीक है। अच्छा ये बता दो मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 14, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कहां दिखाते हैं? सर शेयर कैपिटल में आता है जब हम सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप जो है उसमें से लेस कर लेते हैं जितना नहीं आया है, तो वो आ जाता है हमारा कॉल्स इन एरियर्स को वहां पे दिखाते हैं। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड कहां आता है? सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ऐड करते हैं शेयर फॉरफिटेड, और जब इसको फिर एडजस्ट कर दिया फाइनली उसके बाद फिर इसको कैपिटल रिजर्व में लेते हैं, बट तब तक हम इसको क्या दिखाते हैं? सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? सर बहुत सारे के रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस है, सीआरआर है, ये सारे आपके रिजर्व एंड सरप्लस के हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज बता दो क्या करके होते हैं? सर नॉन करंट लायबिलिटीज चार तरह की है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, नंबर टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नंबर थ्री अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नंबर फोर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं हो रहा है दो तीन बार क्वेश्चन करोगे फिर ये खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 18 है इसको कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो है उसको आप कर लेना कल के लेक्चर में। इलस्ट्रेशन 19 बहुत ही मतलब अच्छा एग्जांपल है, इसमें आपको पूरा जो लायबिलिटी साइड है वो कंप्लीट हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 आप कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 18 कर देना। मैं खुश हो जाऊंगा अगर आप लोग ये करके ग्रुप में डालोगे कि सर ये हमारा आंसर है, ये हमने कर दिया है। तो इलस्ट्रेशन 19 तक जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर देना, अनसॉल्व क्वेश्चन जो है वो आप सारे कर देना। कल के लेक्चर में हम एसेट वाले साइड को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ हमारा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझा दूंगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपका एनालिसिस करने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो एक लेक्चर में आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस समझा दूंगा, और फिर दो लेक्चर में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब नेक्स्ट चार लेक्चर में हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस जिसमें 12 मार्क्स है आपके वो कंप्लीट करेंगे, उसमें फिर लास्ट में रेशनलिस्ट बचता है वो अलग से देख लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 12 में से 6 मार्क्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चार लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बोलना था मुझे, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे बोल सकते हो, नहीं तो फिर इस मीटिंग को क्लोज कर लेते हैं, फिर आप अपना काम कर देना, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दो।